गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, उठने का समय हो चुका है, सुबह के 7:30 बज गए हैं। तो मैं यूजली 7 से 8 के बीच में उठ जाती हूँ। सो सुबह कुछ मौसम ऐसा था, सो ब्रश कर लेते हैं जल्दी से। मुझे अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ सुबह का काम धाम करने में लग जाता है थोड़ा टाइम। हाँ, 15-20 मिनट यहाँ मेरे चले जाते हैं। ब्रश करते टाइम मुझे गाना ज़रूर चाहिए, ज़रूर, मतलब मुझे एक गाना सुबह से चाहिए ही पड़ता है। सुबह का हो गया है 8:15, तो अब हम थोड़ा बाहर का मौसम देख लेते हैं कैसा है। अगर धूप निकलती है तो मैं वीडियो शूट करती हूँ, फिर अदरवाइज़ मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेती हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो आज धूप निकली है, मतलब मुझे वीडियो शूट करना है। ये मेरी कॉलोनी, आप देख सकते हैं, मेरा घर है, तो कॉलोनी में सुबह से सन्नाटा ही रहता है। नीचे चलते हैं चाय वगैरह पीने के लिए। तो नीचे मैं जैसे ही गई, मुझे दिख गया डीनो, तो इसे हम थोड़ा सा बुला लेते हैं। डीनो, 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 यस। बहुत गहरी नींद में था बेचारा, तो ये सुबह से मेरे साथ थोड़ा बहुत मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। चाय वाय पीने के बाद इसे एक ब्रेड देना पड़ता है मुझे, और मुझे सुबह का न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है चाय के टाइम पे, तो मुझे न्यूज़पेपर चाहिए ही पड़ता है। यस, वो मेरे दादाजी हैं। तो यहाँ हो गया है 8:45, वो डीनो बैठा है, और मैं पेपर पढ़ने के बाद अब मैं जाऊँगी तो सीधा मैं शूट करने के लिए बैठ जाऊँगी। एंड पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो या, सो गाइस, इट्स 10:30 AM इन द मॉर्निंग एंड मैं बस शूट करने के लिए बैठी हूँ। मुझे एक वीडियो फिल्म करनी है अबाउट माय हेयर केयर रूटीन वीडियो। मुझे जितनी भी हेयर रिलेटेड वीडियोज़ हैं मुझे इस वीक कंप्लीट करनी है एनी हाउ, क्योंकि फिर मुझे अपना हेयर कट कराना है। तो आज मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो है माय हेयर केयर रूटीन वीडियो, और ये वीडियो आई थिंक इसके ब्लॉग के पहले अपलोड हो चुकी होगी, क्योंकि ये ब्लॉग बाद में मैं रिकॉर्ड अपलोड करने वाली हूँ। सो या, स्टे ट्यून्ड। और मैं शूटिंग करने से फ्री होंगी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 hours, फिर उसके बाद फिर मैं लंच करूँगी, नहाना धोना बाकी है अभी, फिर उसके बाद देखते हैं। सो या, टिल देन, बाय। ओके, सो आई हैव डन शूटिंग एंड अब मुझे थोड़ा ये सामान वगैरह साफ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो गया है, और उसके बाद अब मैं नहाऊँगी और फिर हम लंच करेंगे। यस, सो लेट्स जस्ट गो एंड सामान रख देते हैं पहले। ओके, सो वीडियो बनाने के बाद बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, मुझे अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लग जाता है साफ सफाई करने में। तो आधे घंटे बाद मैं नहाऊंगी, फिर हम चलते लंच करने के लिए। तो लंच में है आज रोटी एंड आलू पत्ता गोभी की सब्जी, प्याज जो कि मस्ट है, उसके बाद है पापड़ मेरा फेवरेट। तो जल्दी से हम इसे फिनिश कर लेते हैं। यस, मुझे टीवी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाना खाते टाइम, तो मैं 2 times टीवी देखती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो हम फिनिश करते हैं जल्दी से अपना लंच, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करें। जस्ट अभी वीडियो शूट करके थोड़ी देर मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। एंड मैंने जस्ट अभी नहा धोकर खाना वाना खा लिया है सब कुछ अपना। यूजली मैं 2 से 3 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, फिर मुझे 1 घंटे की नींद चाहिए ही पड़ती है, अदरवाइज़ मुझे बहुत नींद आने लगती है रात में। तो मैं यूजली 2 से 3 बजे के बीच एक नैप अपना ले लेती हूँ। सो अभी बज रहे हैं 3 एंड फिर मैं शाम को देखते हैं क्या प्लान है। बाकी अभी तो मैं 1 घंटे सोऊंगी आराम से एंड यस, सी यू इन द इवनिंग। यस, सो आई जस्ट वोक अप एंड आई नोटिस कि बारिश हो गई है बाहर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। यू वॉन्ट टू सी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर गार्डन में जाने का, हमारी कॉलोनी के।
तो पहले हम थोड़ा मुँह हाथ धो लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं थोड़ी शाम की, फिर चलते हैं बाहर। ओके, तो जो फेस वॉश मैं अभी यूज कर रही हूँ वो ये है, दैट इज फ्रॉम ब्लू नेक्टर नीम एंड एक्ने, हनी एंड नीम एक्ने क्लियर फेस क्लेंजर। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा, अगर आपकी ऑयली स्किन है प्लस अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, यू शुड गो फॉर दिस फॉर एटलीस्ट वंस, क्योंकि इससे आपके पिंपल्स नहीं आएंगे। मुझे बिल्कुल भी, मतलब जो मेरे नए पिंपल्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो मेरे पुराने हैं बस वही हैं अभी। एंड यू कैन सी बस इतना सा लेना है आपको, मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो ये थोड़ा सा बस प्रोडक्ट आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसकी प्राइस भी उतनी ज़्यादा हाई नहीं है जो, और थोड़ा सा पानी मिला लेना है और थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। मैं इसे यूजली दिन में 3 से 4 बार मेरा फेस वॉश हो जाता है, मैक्सिमम 3 बार तो हो ही जाता है और मिनिमम 2 बार, जैसे जब मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है तो मैक्सिमम 3 से 4, अदरवाइज फिर मैं 2 ही बार करती हूँ, 1 बार मॉर्निंग 1 बार इवनिंग, और रात में कंपल्सरी रात में सोने से पहले फेस वॉश करना ही करना है। तो एटलीस्ट 1 मिनट हमने अच्छे से अब इसे मसाज कर लिया है और अब हम फेस वॉश करते हैं। इससे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, बिल्कुल आयुर्वेदिक है और बहुत ही नेचुरल फील करते हैं, मतलब जो फ्रेग्रेंस वगैरह है इसकी प्लस लगाते टाइम भी बहुत सही लगता है मुझे। तो ये जस्ट फेस वॉश किया है, मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर लूँगी। मॉइस्चराइजर के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर, बट हाँ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऐसा कोई मॉइस्चराइजर यूज़ मत करिए जो आपकी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली बना रहा है। तो हम चलते हैं चाय पीने। तो चाय वगैरह मैंने पी ली, अब हम चलते हैं सीधा बाहर। तो रिमेम्बर वन थिंग कि जब भी आप बाहर जाएं हमेशा मास्क पहन कर जाएं, बिना मास्क के आपको बाहर नहीं जाना है। मैंने अपना मास्क पहन लिया है, हमेशा आपको अपना मास्क कैरी करके जाना है। और इस ड्यूरेशन में, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें हम साइकिलिंग करते हैं या स्केट्स करते हैं, तो अभी पहले हम साइकिलिंग करते हैं, कॉलोनी के 2-3 चक्कर लगाएंगे पूरे, जब तक आप थक नहीं जाते आपको तब तक साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग बेसिकली हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो अभी इस लॉकडाउन में सारे बच्चे साइकिलिंग में लगे हुए हैं, बड़े भी इवन साइकिल चलाते हैं हमारे यहाँ पे, तो साइकिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा वॉक वगैरह करेंगे, उसके बाद हम घर चलते हैं। तो रात के 9:30 बज गए हैं और अब है डिनर टाइम। यूजली 9:30 तक मैं अपना खाना खा लेती हूँ, तो आज खाने में है हमारे पास खिचड़ी और साथ ही पापड़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पापड़ आप लोगों को पता ही मुझे कितना फेवरेट है, और खिचड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जल्दी से हम इसे फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मुझे कॉलेज का एक रिपोर्ट तैयार करना है, मतलब प्रोजेक्ट का, और मुझे एक वीडियो एडिट करनी है अपने इंस्टाग्राम और प्लस वो हेयर केयर रूटीन वीडियो वाली, तो मैं उन दोनों को एडिट करूंगी आज। इसके बाद जस्ट अभी मैं खाना कंप्लीट करके वो करने वाली हूँ, तो मैं आपको मिलती हूँ खाना खाने के बाद। बाय। एज यू ऑल नो मुझे टीवी चाहिए पड़ती है रात के टाइम पे थोड़ा बहुत, तो आज आ रही है तारे जमीन पे। मुझे ये मूवी बेसिकली बहुत पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके बताइए। तो हम तैयार करते हैं अपने कॉलेज की रिपोर्ट प्लस मैं वीडियो एडिट करती हूँ, और रात को करीब 10:30 11 तक मेरे घर के लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि मैं हॉल में सोती हूँ दादी के साथ, तो हॉल की लाइट्स बंद हो जाती हैं, दादी को सोना पड़ता है तो लाइट बंद हो गई है, और अब मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा थोड़ी देर। तो 11 बज गए हैं और मैं जल्दी से वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद फिर मैं मुँह हाथ धो के अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन करके सो जाऊँगी। मैं अभी मैं यूजली 12 तक सो ही जाती हूँ, मैं 12 मैक्सिमम 12:30 बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाग पाती हूँ, आई डोंट नो वाई, बट हाँ 12:30 तक मेरी नींद मतलब मुझे आने ही लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगती है। तो जल्दी से हम अपनी ये तैयार कर लेते हैं, मतलब वीडियो वगैरह एडिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन पर।
ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन पे। तो फेस वॉश आपको पता है जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, वो है ब्लू नेक्टर का, एंड इट्स ऑलमोस्ट 11:30 PM। तो जल्दी से हम फेस वॉश कर लेते हैं, और कल मुझे अपना हेयर वॉश करना है। और जिस भी दिन मुझे हेयर वॉश करना पड़ता है उसके एक दिन पहले मैं कोई भी फेस पैक अप्लाई कर लेती हूँ। तो जल्दी से पहले हम फेस वॉश कर लेते हैं। आपको अच्छे से एटलीस्ट 1 से 2 मिनट मसाज करनी है अपने फेस पर, उसके बाद आप फेस वॉश करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ ऐसा फेस वॉश लगाना है और वॉश नहीं करना है, आपको 1-2 मिनट मसाज जरूरी है आपके फेस के लिए। तो एज यू ऑल नो कि कल मुझे हेयर वॉश करना है, तो आज मैं ऑयल अप्लाई कर लूंगी। तो आपको सबसे पहले कोम करना है। मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑयलिंग के पहले कोम मस्ट है। तो कोम करने के बाद आपको ऑयल लगाना है। मैं यहाँ पे बायोटेक का भृंगराज ऑयल लगा रही हूँ हेयर फॉल के लिए। तो आपको मसाज कर लेनी है पूरे स्कैल्प पे लगा के। उसके बाद आपको जितना ज़्यादा मसाज हो सके आप उतना ज़्यादा करिए, ब्लड सर्कुलेशन आपका उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। पूरे स्कैल्प पे मैंने ऑयल लगा लिया है, उसके बाद आपको कोम करनी है और फिर मैं जल्दी से एक पोनी बांध लूँगी। मैं यूजली रात में जूड़ा वगैरह या खुले बाल करके नहीं सोती हूँ, मैं हमेशा ब्रेड बांध के सोती हूँ। भले ही मेरे बाल में ऑयल हो या नहीं हो, बट ब्रेड बांध कर ही सोती हूँ मैं, वो कंपल्सरी है मुझे, नहीं तो रात में नींद ही नहीं आएगी यार, मतलब इतनी गर्मी लगने लगती है। तो इसलिए जल्दी से हम बाल सुलझा लेंगे, उसके बाद फिर मैं अपनी छोटी बनाऊंगी और फिर हम चलेंगे मास्क लगाने के लिए, फेस मास्क के लिए। तो हेयर फॉल थोड़ा बहुत तो होता ही होता है, तो आप देख सकते कितना हेयर फॉल हुआ है मुझे, उतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता है, थोड़ा ही बहुत ही हेयर फॉल होता है। जल्दी से हम चोटी बना लें फिर हम चलते हैं फेस पैक की तरफ। तो आज हम लगाएंगे शीट मास्क। शीट मास्क बहुत सारे लोग ये बोलते हैं उन्हें लगाने से कोई फर्क नजर नहीं आता, उससे कुछ होता नहीं है, बट आपको ये रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। वीक में एटलीस्ट मैं एक बार शीट मास्क लगा ही लेती हूँ। तो आज मैं शीट मास्क अप्लाई करूंगी। जो ये सीरम रहता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन के लिए नरिश होने में और मॉइस्चराइजेशन देने में। तो मैं यूजली वीक में एक बार लगा ही लेती हूँ शीट मास्क, और इसे मैं अब छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट। और जो भी सीरम उसमें लेफ्ट है वो आपको अपने हाथों में लगा लेना है, आपको अपनी नेक पर अप्लाई कर लेना है, मतलब छोड़ना नहीं है यार, पूरे में लगा लो जहाँ जहाँ हो सके। फिर मैं आपसे मिलती हूँ 20-25 मिनट बाद। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, 20 मिनट हो गए हैं, और इसे निकालने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। और ये कौन सा बाल मुझे परेशान कर रहा है, यस। तो इसे मैं अच्छे से, जो भी सीरम मेरा स्किन पे है अब मैं उसे मसाज कर लूँगी। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। यूजली मैं शीट मास्क प्रेफर करती हूँ रात में लगाना, इसके बाद जो सीरम रहता है लेफ्ट ओवर जो हमारी स्किन पे, इसे मैं लगा के सो जाती हूँ ताकि वो हमारी स्किन पे ज़्यादा टाइम तक बना रहे। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप रात में शीट मास्क लगाइए और फिर वो सीरम को अच्छे से मसाज करके छोड़ दीजिए। सुबह आपको एक अलग ही ग्लो मिलेगा आपकी स्किन पे। और अब मैं लिप बाम लगा लूंगी। मेरा फेवरेट लिप बाम वैसे बेबी लिप है, बट वो ख़त्म हो गया है तो मैं अभी निविया से काम चला रही हूँ। और अब मैं सोने का पूरा मूड हो गया, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अब मैं सो जाऊंगी। सो बाय बाय। तो रात के 12:30 बज गए और मैं इस टाइम तक सो जाती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 12:30 तक, और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट माई डे। आई होप आपको मेरा डे बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगा होगा। सो या बाय बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।